देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल, एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ला यरहम ला यरहम, बुखारी शरीफ। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। जिले वखाराबाद के कोटपली मंडल के सर्वे नंबर 529 के 400 साल कदीम कब्रिस्तान में ईद उल अज़हा के पेश नज़र मकामी मुस्लिम जिम्मेदारान की जानिब से कब्रिस्तान की सफाई का काम अंजाम दिया जा रहा था। इसी दौरान अक्सरियत तबके के चंद सियासी लीडरों और वहां पुलिस की जानिब से कब्रिस्तान की सफाई के काम को रुकवा दिया गया। इस वाक़े से मकामी आवाम हैरतज़दा रह गए। मकामी मुसलमानों ने हुकूमत से इस 400 साल कदीम कब्रिस्तान के तहफ्फुज़ करने की मांग की है। अस्सलामु अलैकुम, मैं कोटपली में एक 400 साल कब्रिस्तान कदीम में ठहरा हूँ। हमारे कब्रिस्तान को साफ सफाई चल रहा, तो ये गांव के लोग बाजू में बुग्गापुर बोल के एक विलेज है, वो लोग वाले आके ऑब्जेक्शन करके गवर्नमेंट को देना, इनके खबरें साफ कर देना बोल के कॉम्प्लेंट दिया गया है। उसके वजह से लैंड ऑर्डर इशू हो के पुलिस वाले आके जो है ना हमारे को काम कर रहे सो चीज़ को रोके हुए है। ये खबरें दिख रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के खबरें हैं 400 साल के। और उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो हमारे MLA साहब के पास भी पहुँचे हुई है बात, तांडूर MLA रोहित रेड्डी के पास, उनको भी उम्मत रखते हैं हम, हमारे हक में फैसला करना बोल के हम बोल रहे हैं। और हम इस इंटीमेशन को कलेक्टर साहब को दिए हुए, हम MRO साहब को दिए हुए है, उसकी वजह से हम साफ सफाई चल रहे हैं, तो हमारे ना हक के रोका जा रहा है। ये लोग हमारे कितने दिन हमारे ना हक के साथ हमारे पास करते हैं, हम देखेंगे उनको, लेकिन कभी ना कभी हमारे हक में ही होता। हमारे को अभी भी हम हक में ही चल रहे हैं हमारे, लिहाजा मैं MLA साहब को भी और MRO साहब को भी कलेक्टर साहब को भी सच क्या है देख के हक का फैसला करना बोल के मैं चाह रहा हूँ। अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो कोटपली मंडल को ऑप्शन नंबर, मेरा नाम अहमद पाशा है। ये 400-500 साल पुराना कब्रिस्तान है। हम इस वजह से यहाँ पे गाड़ना इसलिए रोक देते, उस टाइम ब्रिज नहीं था, नदी आ रही थी, तो हमारे पहले के बड़े लोगों बुजुर्गों लोग इधर बंद कर दे, दूसरा कब्रिस्तान है वहाँ पे गाड़ रहे थे, वहाँ पे पूरा कब्रिस्तान भर गया है, वहाँ पे जगह नहीं रहने की वजह से यहाँ से हम फिर से चालू करेंगे बोल के हम ये साफ सफाई कर रहे थे। तो पहले MLA साहब परसों मीटिंग हुई, MLA साहब मिनिस्टर साहब यहाँ पे आके ये गाँव के इशारे से बोल दिए उन लोगों साहब ये पानी में नाम चढ़ा दिया, इनका पुराना कब्रिस्तान है MRO साहब पानी में नाम चढ़ा दिया बोल के MLA साहब को मिसगाइड कर दिया यहाँ के लोगों को। MLA साहब कलेक्टर मिनिस्टर साहब के सरपंच को बुला के गुस्सा करके इमीडिएटली पानी में से नाम निकाल दियो, ये रतु वेदिका बनाते हैं, मार्केट कमेटी चेयरमैन बनाते हैं बोल के ये तो इतला दे के दिए। उस वजह से MRO साहब और यहाँ के SI साहब हमारे को काम करने नहीं दे रहे, रोक दे रहे। हम भी जाके MLA साहब को लेटर दिए, हम जाके बोले तो ठीक है बोल के बोल रहे, फिर यहाँ से SI साहब को MRO साहब को बोल के तो हमारे को काम रुका देने लगा रहे। ये 400-500 साल पुराना कब्रिस्तान है, खबरें पूरे मौजूद है यहाँ, हम 3-4 दिन से साफ करने की कोशिश कर रहे, तो आके हमारे को रोका जा रहा है गाँव के इशारे पे। अब इसलिए हम लोग पूरा गाँव वाले आके साफ सफाई कर दो, फिर बाजू गाँव वाले वजू गाँव वाले पूरे सब मिल के आके हमारे को यहाँ रोक रहे, ऐसे साहब भी काम न को करो बोल के बोल रहे, इसलिए हम लोग ये ले आ रहे हैं। हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह में गुदेदारों की गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से ज़ायरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज जहांगीर पीरा दरगाह के मुतवतिन मोहम्मद नसीर ने गुदेदारों के रवैये के खिलाफ CEO वक्फ बोर्ड से शिकायत की और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गुदेदारों को बर्खास्त किया जाए। Thank you.
मोहम्मद नसीर है, हम जो है मुकामी दरगाह दरगाह जहांगीरपुरा के रहने वाले हैं। इस महीने की जुलाई की 11 तारीख को जो है वहाँ का जो पीरियड 1 ईयर का ख़त्म हो गया। इसके बाद में जो पीरियड जब ख़त्म होता तो उससे पहले एक्शन होना, लिहाजा एक्शन नहीं हुआ। साबिका कंट्रैक्टर जो है दरगाह शरीफ में पूरे आइटमों पे कब्जे पे है, तो कम से कम एक 10-12 दिन के बाद में लोकल के लोग जो है और ग्राम पंचायत सरपंच साहब बोले ये जो है इलीगल हो रहा, बोल के उन्होंने क्या करे प्रेस वालों को पेपर वालों को बुला के इंटरव्यू दिए। तो उसके बाद में क्या हुआ, वकबड़ वाले क्या करे पेपर नोटिफिकेशन डाल के ले आता, उन्होंने क्या करे कब्जा लिया। कब्जा क्या लिए, दरगाह जहांगीरपुरा में टोटल आइटम जो ऑफरिंग आइटम 17 आइटम है, उन्होंने क्या करे खाली दिखाओ के वास्ते सिर्फ हुंडियों के ऊपर अपने लोगों को लगाए। 16 आइटम जो है साबिका कंट्रैक्टर के हैंडओवर में है। हम क्या करें, जाके जो है सीओ साहब के पास दरख्वास्त दिए, देखे बोले जो है पूरा आइटम जो है आपके हैंडओवर में लेने का, सिर्फ एक आइटम लिया आप और 16 आइटम आप उनके ही हैंडओवर में रखे, इसकी वजह क्या है। तो सीओ साहब बोले देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं एक नाम का सीओ हूं, लेकिन मेरे ऊपर से जो हाई कमांड का जब तक मेरे को ऑर्डर नहीं आया, चेयरपर्सन का ऑर्डर नहीं आया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा हमारी एक रिक्वेस्ट है, हाँ जब हम दरगाह जहांगीरपुरा के सुपरिटेंडेंट साहब को जाके सवाल करें कि भाई ये तुम डीएम हो गया, हर साल जब डीएम में चलती दरगाह तो जो आइटम्स जो वहाँ पे रहते हैं वो स्टाफ जो है उतना स्टाफ नहीं है वहाँ पे, तो लिहाजा उसको जो है बिट कर देते हैं ना, उसको जो है टेंडर कर देते आइटमों को। तो हम उसको जो है 4 आइटम पर हम जो है ऑफर दिए, 4 आइटम का लगभग हम 45,000 रुपये वीकली बेसिक पे, यानी डेली एक आइटम को 4,000 को आइटम को 15,000 ऐसा मिला के वीकली जो है 45,000 के आसपास जो है हम उसको ऑफर दिए। तो सुपरिटेंडेंट साहब क्या बोल रहे हैं, ये मेरे पास हैंडओवर में नहीं है, ये जाके आप सीओ साहब को बोलो मेरे ऊपर से प्रेशर है, मैं इसको टेंडर नहीं कर सकता। हम बोले कि आप हमेशा इसको टेंडर करते ना लोकल में, यानी डीएम में आए बंद बोले हमेशा कर सकता ना, इस बार ऐसा माहौल बने हुआ है मैं कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है प्रेस वालों से ये बात वज़ीर आला केसीआर साहब और केटीआर साहब और जो वक्फ मिनिस्टर है कपूल ईश्वर राव साहब तक ये बात पहुँचे। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा, जब टेंडर होता टर्म्स कंडीशन के हिसाब से 3 दिन के अंदर पैसे बनना, नहीं दिए तो उसका टेंडर कैंसिल कर देगा आप लोग। लेकिन अब कम से कम आपको 12-14 दिन हो गया, इतनी भारी अमाउंट अब तक 7-8 लाख के ऊपर की आमदनी जो है आपको नज़रअंदाज कर दिए, लिहाजा क्या हो रहा है ये उसमें समझ में नहीं आ रहा। ये वहाँ की लोकल भी आवाम बहुत बराम है और हम जो है इसका जो है खुलासा चाह रहे हैं आप लोगों से। यही रिक्वेस्ट है हमारी कि ये प्रेस वाले जो है ये बात को पूरा जो आवाम तक फैला दें। और जो है मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर ने आज अवेसी हिल्स किंग्स कॉलोनी व दीगर मकामात का दौरा किया और इलाके में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अनथिक जदोजहद की बिना पर ही इलाके में तरक्याती कामों की मंजूरी अमल में आ रही है। कांग्रेस रियासती कायद फेरोज खान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उस्मानिया दवाखाने की अपनी तारीख है। इस दवाखाने ने हैदराबाद के आवाम की तवील खिदमत की है और अब अगर दवाखाने की कदीम इमारत को खाली किया जाएगा तो इस इमारत का बहसियत हेरिटेज इमारत इसका तहफ्फुज किया जाए और इसके मुमासिल एक नई इमारत तामीर करते हुए दवाखाने की खिदमत को बहाल किया जाए, क्योंकि पुराने शहर के आवाम की सहूलियत के लिए ये एक ही दवाखाना मौजूद है। 7 साल से ये गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही और आज कांग्रेस ये मांग कर रही है, जो पसमंदा हालत में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए, गांधी हॉस्पिटल देखिए, उस्मानिया हॉस्पिटल देखिए, नेशनल टेलीविजन देखिए, स्टेट टेलीविजन देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, हर जगह ये बता रहे। और आज मैं आपकी इतला के लिए बता दूँ कि उस्मानिया में 3 बिल्डिंग है, एक आईपी ब्लॉक, एक ओपी ब्लॉक और एक खुली कुतुब शाह ब्लॉक, और जो आईपी ब्लॉक है वो हेरिटेज बिल्डिंग है। हम कांग्रेस पार्टी ये बात बोल रही है कि हेरिटेज बिल्डिंग को हम नहीं टच करेंगे, उनको मेंटेनेंस करो, उसको वैसी छाप रखो, मगर जो भी दूसरी ओपी ब्लॉक है और खुली कुतुब शाह ब्लॉक है और या प्रेजेंट 6 एकड़ खाली है ज़मीन, ये 6 एकड़ के ऊपर 2010 में जब कांग्रेस हुकूमत थी
जब 200 करोड़ रुपए से 8 फ्लोर 12 लाख स्क्वायर फीट का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओ बोल के हम ऑर्डर भी दे चुके और ये गवर्नमेंट अब इम्प्लीमेंट नहीं करी। आज कांग्रेस की ये मांग है कि यहाँ पे आप एक आलीशान हॉस्पिटल बना सकते। उस्मानिया हॉस्पिटल हिंदुस्तान के 10 हॉस्पिटल में जाना जाता 100 साल पुराना हॉस्पिटल है। इसके अंदर 8 लाख आउट पेशेंट आते सालाना, 50,000 से ज़्यादा इन पेशेंट आते। हैदराबाद की शान है, तेलंगाना का विकार है। और हम कांग्रेस पार्टी ये चाहते कि ओल्ड सिटी की पब्लिक को सहूलत मिलना और यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल तामीर होना जो सारे हिंदुस्तान का नंबर वन हॉस्पिटल हो, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हो। क्योंकि आपकी इतला के लिए और एक चीज़ बता दूँ कि उस्मानिया हॉस्पिटल जो है उसको एक कॉलेज है, वो कॉलेज के जितने भी मेरिट के स्टूडेंट आए वो पूरे यहाँ पर आते। मगर अफसोस इस बात का है, जब मैं डॉक्टरों से पूछता हूँ तो वो बात ये बोलते हैं, फिरोज साहब हमारे पास हुनर है। और वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। पिछले चंद दिनों से मुख्तलिफ मकामात से जानवरों की आमद पर लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजाहत करते हुए वज़ीर दाखला ने कहा कि 8 DGP को हिदायत जारी की गई है कि कुर्बानी के जानवरों की आमदरफ्त में पुलिस की जानिब से किसी किस्म की रुकावटें पैदा नहीं होनी चाहिए और ना ही आवाम को गैर जरूरी तकलीफ दी जाए। जिस पर DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि वो आज ही इस सिलसिले में रियासत के तमाम जिले SPs और आला अहदेदारों को मुनासिब हिदायतें जारी करेंगे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद के अलावा अंबरपेट में मस्जिद एकाना की फौरी तामीर नौ के ऐलान का मुतालबा करते हुए सदर जमीयत उल उलमा तेलंगाना मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद ने कहा कि ये बड़े ही अफसोस की बात है कि ये तीनों मसाजिद हुकूमत की तामीराती व तौसी मनसूबों के तहत मुसलमानों के जज्बात व एहसास का लिहाज किए बगैर ही शहीद कर दी गई। इसमें शक नहीं कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को दोबारा तामीर करने का ऐलान तो किया है, लेकिन 2 हफ्तों की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। सरगरम मजलिस कायद व सदर टाउन मजलिस मशीर बाबा को बल्दिया बोधन के कोऑप्शन रुकने की हैसियत से मुंतखब करने पर शहर के मजलिसी कायदीन की जानिब से ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई है। इस मौके पर मशीर बाबा ने बोधन के आवाम और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो आवाम की खिदमत और उनके मसाइल के हल के लिए जदोजहद करेंगे। नाज़रीन सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़। दिनोशिन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।